नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल MIM न्यूज एक्सप्रेस पर। ओबीसी की मांग एक बार फिर तूल पकड़ती नजर आ रही है। वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि CAA कानून को निरस्त किया जाए और मुस्लिम समाज को उनका हक दिया जाए, और उनके साथ कई नेता भी सामने आ रहे हैं और उन्होंने इस कानून की आलोचना करते हुए कहा कि इसे मुसलमानों के हित में नहीं बनाया गया है, और उन्होंने ये भी कहा कि ये मुसलमान भाइयों के लिए मौत का पैगाम हो सकता है, तो जितनी जल्दी हो सके इसे वापस लिया जाए और उनकी मांगों पर जितनी जल्दी हो सके अपनी प्रतिक्रिया दे। आपको बता दें कि AIMIM मुस्लिमीन पार्टी के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर केंद्र सरकार से नागरिकता संशोधन कानून को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि नागरिकता कानून धर्म के आधार पर बनाया गया है, जो कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इसीलिए सरकार से मांग है कि वो इस कानून को भी वापस ले। असुद्दीन ओवैसी ने कहा, सरकार ने राजनीतिक हार के डर से विधानसभा चुनाव से पहले किसान कानून को वापस ले लिया। देश का एक बड़ा ग्रुप कह रहा है कि CAA संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। हम मांग करते हैं कि केंद्र को नागरिकता संशोधन कानून को वापस लेना चाहिए। तीन कृषि कानून की वापसी के बाद से CAA को वापस लेने की भी मांग हो रही है। इससे पहले NDA की बैठक में BJP की सहयोगी पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी ने नागरिकता संशोधन कानून को वापस लेने की मांग उठाई। NDA की बैठक के बाद उन्होंने PTI भाषा से कहा, कृषि कानून निरस्त कर दिए गए हैं और ये खासकर लोगों के हितों को ध्यान में रखकर किया गया था, इसीलिए मैंने सरकार से पूर्वोत्तर के लोगों की उसी तरह की भावनाओं को ध्यान में रखकर CAA कानून को निरस्त करने का आग्रह किया। संगमा ने कहा कि सरकार से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन उसने मांग पर गौर किया है। उन्होंने कहा, मैंने ये मांग अपनी पार्टी और पूर्वोत्तर के लोगों की तरफ से की है। ओबीसी केंद्र से मांग, धर्म के आधार पर बनाए गए नागरिकता संशोधन कानून को वापस ले सरकार। तीन कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब नागरिकता संशोधन कानून वापस लेने की मांग हुई तेज। इस खबर में सिर्फ इतना ही। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसके साथ ही ऐसी और भी खबरें पाने के लिए MIM न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।